Arrest him. There's some confusion, officer. Let me do my job. You're making a mistake, officer. The court will decide that. Please. बड़ी खबर, भारत के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु अजनीश को अमेरिका की पुलिस ने अवैध धंधे, सेक्स रैकेट और ड्रग्स स्मगलिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। हमारे भगवान निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। You're finished, Mr. Gobman. बधाई हो, ललना हुआ है आपको। वाह, क्या बात है। देखो ये लो। जी क्या ये तू भी रख ले। आ जा। बधाई हो, नाना बन गए। तुम भी तो नानी बन गई। वाह वाह, तो बहुत ही खुश है। बेटा हुआ है। हाँ हाँ, सबको खिलाएंगे। बेटा हुआ ना। बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो लग रहा है कि सब बहुत खुश है। लीजिए लीजिए, मिठाई खाइए। सुनिए, बच्चा ना दूध पी रहा है ना रो रहा है, किसी वैद्य या हकीम को जाके बुला लाओ। क्या सोच रहे हैं? मैं अभी आता हूँ। हाँ जाइए। अलक निरंजन। प्रणाम साधु, मैं अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे वैद्य के पास जाना है। मेरा नवजात नाती ना रो रहा है ना ही दूध पी रहा है। अलख निरंजन, ना वैद ना हकीम, ना चलेगा कोई प्रयास। अभी ये नहीं रोएगा बालक, है 3 दिन उपवास। अलख निरंजन। उपवास? उपवास? What is that?
I heard it's some kind of fasting. Welcome to hell, Mr. Godman. These guys are going to get your horoscope in your language. Abhi tumhara janam kundli dikhale ge ye log. Are bura, tere saath to sabar ka pata hi nahi chala. Isiliye to aapke saath aata hu. Haan? Kahan tak chalega mere saath? जहां तक आप जाएंगे मालिक। अच्छा, देखना एक दिन मैं ऊपर वाले के घर जाने वाला हूँ, वहां भी आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा मालिक। धर्म पगले। जन्म पत्री में तो सब कुशल मंगल है ना? बच्चे की आयु नहीं है, अल्प आयु बालक है, मात्र 7 वर्ष तक जिएगा। आप ये बात सोच समझ कर कह रहे हैं ना? आप हमारी विद्या पर सवाल उठा रहे हैं हीरालाल जी? पंडित उमा शंकर की वाणी कभी खाली नहीं जाती। अब इस संकट से निकलने का कोई उपाय भी तो आप ही सुझाएंगे। ये संकट नहीं है, ये विधि का विधान है। क्या कर रहा है मेरा राजा? नानी, बीज बो रहा हूं, इससे वृक्ष निकलेगा। नाना कहते हैं कि वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये हमें फल देते हैं, छाया देते हैं और हमारी सांस भी। अच्छा। हाँ, जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं भी इसे अपना मित्र बना लूंगा। अच्छा चल, अब चल के ये हाथ मुंह धो ले और भोजन कर ले। नहीं, मैं नाना के साथ ही भोजन करूंगा। नाना आ गए, नाना आ गए। अरे नाना जी, नाना जी, मेरे लिए काशी से क्या लाए? तुम्हारे लिए मेरी उम्र लाया हूँ राजा। चल राजा, तू जाके अंदर हाथ मुंह धो के कपड़े बदल ले। तेरे नाना थके हुए आए हैं, अभी थोड़ा आराम करेंगे। जा तू अंदर जा। ठीक है। क्या बात है, इतने दुखी और मायूस क्यों हो? जो बात मेरे कानों में शूल की तरह चुभ रही है, वो बात तुम्हारा कोमल हृदय कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? ऐसी कौन सी विपदा आ गई जिसने आपको इतना विचलित कर दिया? काशी के बड़े आचार्य ने बोला है,
कि हमारे राजा की उम्र मात्र 7 साल है। आप जैसा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति एक ज्योतिषी की बातों में आ गया। राजा हमारा नाती है, कुछ नहीं होगा उसे। आप चल के हाथ मुंह धो लीजिए और भोजन कर लीजिए। आपके इंतजार में राजा ने भी कुछ नहीं खाया है। बच्चे की आयु नहीं आयु नहीं आयु अल्पायु बालक मात्र 7 वर्ष तक जिएगा। आप हमारी विद्या पर सवाल उठा रहे हैं हीरालाल जी? सुनती हो? हाँ। चोर या डकैत आया हुआ है। क्या डकैत? बड़ा मजा आएगा। अरे तुम सो जाओ। अरे तुम सो, मैं अभी आती हूँ देख के। आजकल चोरी डकैती अपहरण रोज का काम हो गया है। मुझे राजा की बड़ी चिंता होती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी चिंता का समाधान किए देती हूँ। ले भूरा, आज से तू राजा के साथ साए की तरह रहना। कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे सीधा गोली मार देना। जी मालकिन। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। ये क्या मरने मारने की बातें करने लगी? देख भूरा जी, गोली हवा में चलाना, हम लोग जैन हैं। जी मालिक। भूरा, जैन ये हैं, मैं नहीं। अगर तूने गोली नहीं मारी तो मैं तुझको गोली मार दूंगी। जी मालकिन, आप चिंता ना करें, मेरे रहते राजा बाबू को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। चल 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 चल, बहुत सही है। हाँ। चल चल चल, हाथ मार हाथ मार हाथ मार। या 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 या, पलट 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 पलट। या या, पलटी मार पलटी मार, पीछे पीछे पलटी मार। हे बाबू, तैरना सीखना है का? हम तुमको तैरना सिखा देंगे। इन सभी को तैरना हमने सिखाया है। और इन सबको क्या, पूरे गांव में जितने भी तैराक हैं, इन सबको मैंने ही सिखाया है। का ये पलटी बार पलटी बार। या क्या बात है, तुम कहो तो तुमको भी तैरना सिखा दूं क्या? मतलब आप मुझे सिखाओगे तो ही मुझे तैरना आएगा। तो क्या, अरे तुम मेरे सिखाए बिना नदी में 2 कदम आगे भी नहीं जा सकते, का समझे? अगर ये बच्चे तैर सकते हैं, गांव वाले तैर सकते हैं, तो मुझे लगता है मैं भी तैर सकता हूँ। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे सिखाए बिना तुम इस नदी में तैर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। प्लट प्लट, हाँ चलो, अगर मैं डूबने भी लगूं, मैं कितनी बार चीकू चिल्लाऊं, तुम मुझे बचाने मत आना। ए पलटी मार पलटी मार पलटी मार पलटी मार। हाँ या हाँ,
शोला बन के तू आंधी बन जा रे। रातों को रोशन कर बन चांद जल जा रे। कह के शोला बन के तू आंधी बन जा रे। रातों को रोशन कर बन चांद जल जा रे। सूरज से आग ले ले धरती से त्याग ले। सूरज से आग ले ले धरती से त्याग ले। रच दे इतिहास नया तू वे। चल वे चल तू बंदे आवे। कोई क्या तुझको रोके रे। बिना बताए कहाँ चला गया था? और ये गीला कहाँ से होके आए हो? जाओ इसके कपड़े बदलवा कर लाओ। चलो पता नहीं कहाँ से भीग के आए हो। प्रणाम। मुनि जी, हम जैसे पापी के उद्धार का कुछ उपाय बताइए। जो आदमी पाप करेगा वो नरक में अवश्य जाएगा। आपके पाप के अनुसार हमारे यहाँ 7 नरकों की रचना की गई है। 6ठे नरक से तुम वापस आ सकते हो, पर 7वें नरक से वापस आना असंभव है। जब 7वें नरक से कोई वापस नहीं आया तो आपको कैसे पता कि 7वां नरक होता है? अरे ये कैसा बेवकूफ लड़का है, मुनि जी बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। ये नरक के बारे में भगवान ने बताया है। ये भगवान कौन है? राजा तुम चुप रहो, बैठ जाओ। वो अभी नादान है, उसके बदले मैं माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। भगवान जिसने नदी, नाले, पेड़, पौधे और यहाँ तक कि हम सबको बनाया है। फिर भगवान को किसने बनाया? मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं निकलता हूँ। अरे यार ये तो सब बेकार कर दिया है। पता नहीं किस लड़का है, एकदम बेहुदा लड़का है, समझ में नहीं आता है कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है। तुमको तुम्हारा भविष्य बताने आया हूं मिस्टर गार्डमैन। यू विल गो टू न्यू जेल टिल द टाइम यू एंजॉय योर एडवेंचर। आपने तो मेरा भविष्य बहुत पहले ही लिख दिया था, आज मैं आपका भविष्य बताता हूँ। मुझे लगता है आप भिक्खू बन जाएंगे। क्या कहा, भिक्खू और मैं? असंभव। चलो फिर लगी शर्त। ठीक है, अगर तुम जीते तो ये सोने की घड़ी तुम्हारी। तुम हार गए तो मुझे क्या दोगे? मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे आपको कुछ देना ही है तो मैं एक धन्यवाद दूंगा। एक धन्यवाद? फिर भी मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। लेकिन एक बात याद रखना, पंडित उमाशंकर की वाणी कभी खाली नहीं होती। हर 7 साल पर तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। राजा की नानी, राजा की नानी। हाँ क्या हुआ? मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? लगता है मुझे कुछ। क्या मुझे हो कुछ? अरे भूरा, वो भूरा। जी मालकिन। जल्दी से बैलगाड़ी निकाल, इनकी तबीयत बिगड़ रही है, अस्पताल लेके चलना है जल्दी। जा जल्दी कर। जी मालकिन। आह
मत रखिए। क्या हो रहा है? बस मालिक, आप अस्पताल पहुंच जाएंगे, आप चिंता ना करें। सुनो, हमें मालूम है मेरे मरने के बाद तुम राजा का ख्याल अच्छे से रखोगी, लेकिन भूखरा का भी ख्याल रखना। उसने मेरी बहुत सेवा की है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप धीरज रखिए। राजा चक्र रोको। मौन हो जाओ, अपने केंद्र पर जाओ। शरीर को कुछ भी हो, तुम केंद्र से मत हटो। केवल साक्षी बने रहो, जो हो रहा है उसे होने दो, बीच में बाधा मत डालो। याद रखो कि तुम केवल साक्षी हो और वही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। अगर इसे याद रखते हुए मरोगे तो ये चक्र रुक जाएगा। भूरा, गाड़ी राजा के माता पिता के घर की तरफ मोड़ ले। जी मालकिन।
कहाँ तक चलेगा मेरे साथ? जहाँ तक आप जाएंगे मालिक। देखना, एक दिन मैं ऊपर वाले के घर जाने वाला हूँ, वहाँ भी आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा मालिक। धत पगले। नाना जी, मेरे लिए काशी से क्या लाए? तुम्हारे लिए मेरी उम्र लाया हूँ राजा। एक बात याद रखना, पंडित उमाशंकर की वाणी कभी खाली नहीं होती। हर 7 साल पर तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। बाबा, इस साल मौसम खराब है, का चीज का खेती करें? चले बकुले, मुका 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 चला मुका चला। बाबा कह रहे हैं इस साल चना और मक्के की खेती अच्छी होगी, उसका खेती कीजिए, आपका कल्याण होगा। मग्गा बाबा की जय, मग्गा बाबा की जय, मग्गा बाबा की जय, मग्गा बाबा की जय, मग्गा बाबा की जय। बाबा, मेरी गाय बच्चा कब देगी? बाबा कह रहे हैं इस महीने पूर्णवासी की रात को आपकी गाय बच्चा देगी। बाबा कह रहे हैं बाबा का विश्राम का समय हो चुका है, आप लोग अपने घरों के लिए प्रस्थान कीजिए। मग्गा बाबा की जय, मग्गा बाबा की जय, मग्गा बाबा की जय। राजा, आप तो हमारी भाषा बोल सकते हो, तो फिर उन्हें उल्लू क्यों बनाया? क्योंकि वो अपने सवालों का जवाब खुद ही लेकर आते हैं। दामाद जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। मैं अब राजा के नाना के घर जाना नहीं चाहती, कहीं सुकून से जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं वहां गई तो उनकी यादें मुझे जीने नहीं देंगी, और ये राजा भी आप ही के साथ रह जाएगा। तो आप राजा के साथ यहीं रह जाइए ना, इसी बहाने हमें आपकी सेवा का अवसर भी मिल जाएगा। हाँ माँ, रुक जाओ ना हमारे साथ। बेटी के घर रहना उचित नहीं लगता दामाद जी। तो फिर हम आपके लिए इसी गांव में एक घर देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आपका कुशल प्रेम मिलता रहे। नानी, मैं भी आपके साथ रहूंगा।
देख, तेरे पिताजी ने तेरा विद्यालय में नामकरण करवाया है, तू अब पढ़ने जाएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। अच्छा चल, जब तेरा दिल ना लगे तो मेरे पास आ जाना मेरा राजा। तुम यहां बैठे हो और मैंने तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि आज से तुम्हें विद्यालय जाना है। मुझे नहीं जाना कोई विद्यालय फिद्यालय। उदंड हो चुके हो तुम। आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप मेरे साथ विद्यालय चलो। मैं भी आखिरी बार कह रहा हूं, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। चलो उठो। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। चलो राजा। नहीं। चलो चलो चलो। मिलो उपकुलो उपो ओ ओ। तो आप इस जेल को विद्यालय कहते हैं? बेटा, यहाँ शिक्षा मिलती है, सजा नहीं। तो आप इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ लाए हैं? जाओ। आज हम जोड़ के बारे में जानेंगे। 19 धन 2, तो अगली संख्या क्या होगी? एक बात साफ हो जानी चाहिए कि मेरी कक्षा में इस काली तख्ती के अलावा कोई कहीं और नहीं देखेगा। एक और बात साफ हो जानी चाहिए कि मुझे मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। तो जब मैं गणित पढ़ा रहा था तो तू कहाँ देख रहा था? मुझे आपका सुंदर सा चेहरा नहीं देखना था। इससे बचने के लिए पहाड़ देख रहा था। और जहाँ तक गणित का सवाल है तो मैं सब सुन रहा था। आप चाहे तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा, तो यह बता 12 और 9 का जोड़ क्या होगा? 21। तू सही हो या गलत, तुझे एक शिक्षक से बहस करने और खिड़की से बाहर देखने की सजा तो तुझे मिलेगी। क्योंकि जब एक अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो खिड़की के बाहर देखना अपराध है। जब खिड़की से बाहर देखना अपराध है तो फिर इस कक्षा में खिड़की क्यों लगाई गई है? तू मुसीबत का जड़ है। हाँ मैं हूँ। दंड बालक, इधर आ, हाथ बाहर निकाल। ये सजा आपको बहुत महंगी पड़ेगी। महंगी पड़ेगी? हाँ? यह सजा तू जिंदगी भर याद रखना। कल से या तो आप रहोगे या मैं।
मुझे पहले से ही डर था तू विद्यालय में खुद को या दूसरों को मुसीबत में डालेगा और साथ में मुझे भी उसमें घसीटेगा। आप समझे नहीं, मैं आपसे कोई सहायता नहीं मांग रहा, सिर्फ आपके विद्या के मंदिर की सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसी समस्या से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। प्रेम ज्ञान को जान के चलवे, राह के रोड़े छान के चलवे, नदियों से राग ले ले, सूरज से ताप ले, नदियों से राग ले ले, सूरज से ताप ले, रच दे इतिहास नया तू वे, चल वे चल तू बंदया वे। तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे बहुत पसंद आया, विश्वास रखना तुम्हारी शिकायत पर जरूर उचित कार्रवाई करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं उम्मीद करूंगा, आपका आश्वासन खाली नहीं जाएगा। क्या राजा यहीं रहता है? हाँ, पर क्यों, क्या काम है? उसे मग्गा बाबा ने बुलाया है। अच्छा, राजा राजा, पर मग्गा बाबा तो बोल भी नहीं सकते, बुलाए कैसे? और क्या तुम इतनी रात को मग्गा बाबा के पास जाना चाहोगे? अगर उन्होंने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। पगले बाबा के चक्कर में तुम भी पागल हो गया है। आपने मुझे बुलाया? मुझे क्षमा कर देना राजा, क्योंकि आज मजबूरन मुझे तुम्हें किसी दूसरे से बुलाने के लिए बोलना पड़ा। राजा, आज यहां मेरी आखिरी रात है, मैं हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। राजा, जीवन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है, तुम इसके बाहरी रूप तक मत रुक जाना, इसकी गहराइयों में जाकर इसकी जड़ तक पहुंचना, क्योंकि तुम में जीवन के प्रति नजरिया बदलने की क्षमता है, जिससे आने वाले कल को तुम एक नई दिशा दे सकते हो। बहुत जल्द तुम्हें आगे का रास्ता दिखाने वाला आएगा।
इसे रहने दे, तू जाके हाथ धो ले। आज तेरा मनपसंद खाना बनाया है। खाने का मन नहीं है नानी। क्यों, क्या हुआ? एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है नानी, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। नाना की मृत्यु के समय मुझे क्या हो गया था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं नहीं, मैं कोई और हूं? और नदी में मैं इतने विश्वास के साथ कैसे कूद गया, जैसे कि मुझे जन्मों से तैरना आता। और वो उमा शंकर जैसे मेरे सामने आया तो मुझे कैसे प्रतीत हो गया कि वो सन्यासी हो जाएगा? और नानी, फिर वो मग्गा बाबा, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा कि जीवन के बाहरी रूप में मत रुकना, उसके अंदर जाकर उसकी जड़ों तक पहुंचना? ये तेरे अंदर का प्रश्न है राजा, इसका उत्तर तुझे स्वयं ही ढूंढना होगा। राजा घर आ गया? नहीं तो नानी के यहाँ होगा। नानी के यहाँ? हाँ, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, वहां तो नहीं था। तो फिर बैठा होगा मग्गा बाबा के पास। मग्गा बाबा? सुना है वो तो गांव छोड़ के चले गए। अरे तो फिर ये लड़का गया कहाँ? सुबह से घर नहीं आया है। ये लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, खुद उद्दंडता करता रहता है और परेशानी हमें उठानी पड़ती है। अरे अरे चाचा, राजा को देखा है क्या? अरे वो तो पागल है, कभी शमशान घाट में घंटों बैठा रहता है, कभी फकीरों को टोली के साथ में घूमता रहता है। अरे इतना ही नहीं, नदी में घंटों तैरता रहता है, उसके बारे में क्या पूछते हो? मूर्ख है। कहां थे अब तक? मैंने पूछा कहां गए थे। ये सवाल आपको मुझे थप्पड़ मारने से पहले पूछना चाहिए था ना, जब सजा दे ही दी है तो गुनाह पूछने का क्या फायदा। बेटा, तुम्हारे पिता पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे, तो क्या ये उनको जानने का अधिकार भी नहीं कि तुम थे कहां? अब आप पूछिए तो बता देता हूं। गांव के पास में नाटक मंडली आई थी, वही देखने गया था। तो पूछ के चले जाते ना, ऐसे बिन बताए जाने की क्या वजह है? पिताजी। पिताजी? क्योंकि अगर मैं इनसे पूछ के जाता तो ये मुझे जाने नहीं देते, लेकिन मैं फिर भी जाता, इससे इन्हें ज्यादा तकलीफ होती, इसलिए बिना बताए चला गया। राजा की माँ, राजा की माँ, तुम इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? या हो क्या गया है इसको? कभी दीवार को घूरता रहता है, कभी छत को घूरता रहता है,
कभी घंटों घंटों तक आंखें बंद करके पता नहीं कहां खोया रहता है। मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूं। बाबा मेरा बेटा, मुझे लगता है उस पर कुछ भूत प्रेत का साया है। वो अजीब अजीब सी हरकतें करते रहता है। आप कुछ झाड़ फूंक करके उसे। बहुत ही भाग्यशाली है आप। इसकी सुरक्षा कीजिए, इसका ध्यान रखिए। मैं फिर आऊंगा और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आदेश आदेश आदेश। अब मैं जीवन के 14वें साल के करीब पहुंच रहा था, जिससे मेरे माँ बाप भी बहुत चिंतित थे। शमशान घाट भी कोई मिलने की जगह है? पता नहीं क्यों, लेकिन समय बिताने के लिए ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो ना कितनी शांति है यहाँ पर। वो तो है। और पता है, मैं कुछ दिनों के लिए पगला बाबा के साथ भारत भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, तो तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। वैसे भी तुम्हें मेरे लिए फुर्सत कहाँ है? कभी मग्गा बाबा, कभी पगला बाबा, कभी नदी, कभी शमशान। देख लेना, एक दिन मैं भी इतनी दूर चली जाऊंगी ना, तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे। तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब मान भी जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए लाल चूड़ियां लेकर आऊंगा। चलिए निकालिए मेरी सोने की घड़ी। मुझे क्षमा कर दो, तुम तो मुझसे भी बड़े ज्योतिष निकले।
तुम्हारे जाने के बाद वो बीमार हो गई, बुखार हो गया उसे, अब वो वापस नहीं आएगी। आखिरी सांस तक सिर्फ यही कहती रही कि राजा भूल मत जाना मुझे, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। तुम्हें मुझसे क्या बैर है? मेरे खेलने कूदने की उम्र में तुमने मुझसे मेरे सर के छाव छीन ली। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे नाना ने तुम्हारा? बोलो क्या बिगाड़ा था मेरे नाना ने? और अब मेरे प्रेम भरे हृदय को अपने पैरों तले कुचल दिया। आखिर क्या गलती थी गुड़िया की? क्यों करते हो कायरों की तरह बात? आओ और ले चलो मुझे, अब मैं भी तो देखूं तुम हो कौन। मुस्कुराओ राजा, जो कहना है कहो। आप बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 7 दिनों में मेरे अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो गया है। मुझे पता था तुम रुकोगे नहीं,
तुम जरूर बुद्धत्व को प्राप्त करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। राजा, आज से तुम्हारा ध्यान मस्तो रखेंगे। मस्तो बाबा आप बैठिए, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। राजा, ये अपने देह का त्याग तो 3 दिन पहले ही कर चुके हैं, बस तुम्हारे इंतजार में इन्होंने अभी तक अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं की। राजा, स्कूल की तो पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो चुकी है, मैं चाहता हूं तुम महाविद्यालय जाने की तैयारी करो। भाई ये क्या पहन रहा है? पता नहीं कैसे करेंगे, कितने अजीब कपड़े हैं। और कॉलेज के अनुशासन की किताब पढ़ी है तुमने? हाँ। ये कौन सा ड्रेस पहन रखा है? टोपी कहाँ है तुम्हारी? सर, कॉलेज में तो हम बुद्धि के विकास के लिए आते हैं, और अगर टोपी लगाने से बुद्धि का विकास होता है तो सर टोपी क्या, कल से मैं पगड़ी लगा के आ जाऊंगा। कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन है इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। क्लास में जाओ। सिद्धेश्वर कौन है? कुछ देर में ये बात तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अटेंडेंस प्लीज। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। जी हाँ सर। रोल नंबर 3। प्रेजेंट सर। कल आप काहे नहीं आया था जी? सर वो कल मेरे सिर में बहुत दर्द था। हमारा नाम पता है ना जी? और आप लोगों को पता है ना, जब तक सिद्ध नहीं करता तो हम नहीं मानता जी। तो फिर सिद्ध कीजिए। सर, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। जब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता तब तक हम मानता नहीं जी। तुम ही कह रहे थे ना कि ये सिद्धेश्वर सर का बेटा। आइयो रामा, 100% हमारा बेटा होता जी। सर मैं मानने के लिए तैयार नहीं। आप एक काम कीजिए, आप सिद्ध करके बताइए कि ये आपका बेटा है। बताइए। हम तुमको देखता जी। एक स्टूडेंट की वजह से मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर को नहीं खो सकता। मैं तुम्हें अपने कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता, फिर भी मैं तुम्हारा ऐसा करेक्टेड सर्टिफिकेट बनाऊंगा कि दूसरे कॉलेज में एडमिशन के काम आ जाएगा। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा जैसा कैरेक्टर है आप वैसा ही सर्टिफिकेट बनाइए, फिर चाहे मुझे एडमिशन मिले या ना मिले।
डरो नहीं, बैठो। तुम इस खंडहर में क्यों रहते हो? ये खंडहर मुझे खुद से मिलाता है। वैसे इतनी रात में तुम यहां कैसे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। आज सुबह कॉलेज से तुम्हें निकाला जा रहा था और तुमने उसका प्रतिरोध भी नहीं किया। मैं प्रतिरोध करता हूं तो मुझे कॉलेज में रख भी लिया जाता, लेकिन उसका असर सिर्फ क्षणिक होता। लेकिन जो आज मैंने किया उसका असर उन्हें रात भर सोने नहीं देगा, और ये बात उन्हें जीवन भर कांटे की तरह चुभती रहेगी कि उनकी शिक्षा पास ही हो गई है, जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करोगे? तुम उसकी चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल ही जाएगा। अच्छा तुम अब एक काम करो, जाओ, रात बहुत हो गई है। जय मां काली, 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 प्रोफेसर काली, जय मां काली, इनसे कुछ काम। जय मां काली, 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 जय जय मां काली, 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 जय मां काली। लगता है इस शहर में नए आए हो। जी हाँ। क्या करते हो? बस सर, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? सर बस अभी एडमिशन की तलाश में। एडमिशन? जी। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। अब सर लेकिन आप मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए। अरे माँ काली के इतने बड़े भक्त हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या देखना। तुम कल सुबह मेरे कॉलेज आ जाना। जी। जय महाकाली। कॉलेज के बनाए गए नियम को ना पालन करने की वजह से मेरे साथ फिर वही हुआ। तो चंद्रमोहन जैन, आपको पहले भी कई कॉलेजेस से निकाला गया है, और पिछले 15 दिनों से आपने हमारे सारे प्रोफेसर्स की भी नींद हराम कर रखी है। हमें माफ कीजिए, अब आपको इस कॉलेज में और रहने की अनुमति नहीं दे सकते। सर आप मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने की और सिर्फ परीक्षा देने की अनुमति दे दीजिए। वैसे भी आपकी शिक्षा पद्धति में कोई रस नहीं है। ठीक है, हम आपको सिर्फ लाइब्रेरी का इस्तेमाल और परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हैं। और इसी लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते परीक्षा के बाद जब मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। आज मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, जिसकी कीमत मेरी नजरों में 2 करोड़ की है, क्योंकि अब तक की सारी शिक्षा महत्वाकांक्षा तुलना और प्रतिस्पर्धा पर खड़ी है। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि पड़ोसी के बेटे को देख रहे हो, कक्षा में उसके कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं और तुम्हारी क्या हालत होती जा रही है। बाप है, उसे लगता है कि वो उसे प्रेम कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर जहर घोल रहा है, तुलना का जहर। अब वो उसे पागल कर देगा कि पड़ोसी के बेटे से आगे कैसे होना है। जिस शिक्षा की नींव ही तुलना और प्रतिस्पर्धा हो, उसे मैं ठीक शिक्षा नहीं समझता। और अगर ऐसी ही शिक्षा चलती रही तो आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 50 सालों में यह पूरी धरती एक बड़ा पागल खाना बन जाएगी। मेरे ख्याल से हमें इस पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें फिक्र करनी होगी बुद्धि के विकास की, और शिक्षा में क्रांति का पहला आधार होना चाहिए
स्मृति को केंद्र से हटाएं, बुद्धि को केंद्र पर रखें, स्मृति को नहीं। क्योंकि स्मृति का ज्ञान तो अब यंत्रों से भी लिया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे यंत्र जिन्हें हम खीसे में रखकर कहीं भी जा सकते हैं और जब चाहें जो प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। शिक्षा के आधार पर छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। बच्चों की जिंदगी में खेल के तत्व को, खेल की व्यवस्था को नष्ट किए बिना यदि हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं तो शायद हम ज्यादा सुखी मनुष्य को पैदा कर सकते हैं। और इस दूषित शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले मेडल को मैं स्वीकार करता हूं। कहीं जा रहे हो? हाँ। लेकिन जाने से पहले एक बार मेरे मम्मी डैडी से तो मिलते जाते। वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। अब तुम ही कह दो वो क्या बोलना चाहते हैं। मुझे ट्रेन पकड़नी है और देर भी हो रही है। आज ही जाना जरूरी है क्या? मेरे लिए एक दिन और नहीं रुक सकते क्या? रुकने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन रुकने की कोई वजह भी तो। वजह तो है, वो आपसे मिलके हमारी शादी की बात करना चाहते हैं। देखो कशिश, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लोग प्रेम में शादी की बात करते हैं और आप? मैं सब समझ गई हूं, आप क्या कहना चाहते हैं। अब मैं 21वें साल के करीब Thank you.
मुझे यकीन था कि तुम ये कर लोगे। अब तुम मेरे पैर मत छो। आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं संबुद्ध हो गया हूं, जैसा आपने कहा, तो एक संबुद्ध को पैर छूने से इनकार मत कीजिए। राजा सचमुच का राजा बन के आया है। क्या हुआ है तुम्हें? अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, और जो मुझे अनुभव हुआ है उसे बांटने आया हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, तुम मेरे राजा ही बने रहना मेरे बच्चे। मैं लाख अपने दिल को समझाऊं कि तुम मेरे राजा हो, लेकिन तुम मेरे राजा नहीं रहे। लाखों लोग तुम्हें अपना मानेंगे। मैं तुम्हें अपने अधिकार से मुक्त करती हूं। तुम नीचे क्यों बैठी हो नानी? तुमसे अपनी मुक्ति का मार्ग पूछने। तुम्हारी यात्रा तो बहुत लंबी होगी। अब मुलाकात हो ना हो, मेरा मार्ग तो बिल्कुल सरल है। अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया उसे भूल जाओ। अपने भीतर की यात्रा कीजिए, स्वयं को खोजें। मौन तुम्हें तुम्हारे साक्षी होने में सहयोग करेगा। पहली बार मुझे जिस महाविद्यालय में शिक्षकों को परेशान करने की वजह से निकाला गया था, उसी महाविद्यालय ने मुझे शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। फिर क्या हुआ? फिर तुम जाओ, मेरे पास मत बैठो। तुम कल उस मिकी के साथ क्यों गई थी? मेरे साथ रहना तो ये सब नहीं चलेगा। अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा, या तो तुम्हें मार दूंगा तो खुद मर जाऊंगा। मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती तो अभी तक क्या करती थी? तुम मुझे इरिटेट करने लगे हो। यहाँ मत जाओ, उसे बात मत करो, ऐसे मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। देखिए, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कक्षा में कोई किसी पर कंकड़ पत्थर उछाले या कोई किसी पर प्लेन उड़ाए। जो लड़का या लड़की एक दूसरे के साथ में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है। अब आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। आप सब में से मुझे यह कौन बता सकता है कि जीवन की बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। गुड। और आप में से यह सब किसके किसके पास है? मतलब आप सबके पास अपने जरूरत की चीजें हैं,
सर ये तीनों चीज का क्या फायदा अगर कोई गर्लफ्रेंड ही ना हो? क्यों सर, कोई तो लाइफ में चाहिए ना। वही तो जानना है, क्यों? यदि आपके जीवन में सब कुछ प्रेम नहीं है तो आपके जीवन की तीन मूलभूत जरूरतें भी निरर्थक हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप सबको आज प्रेम के सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा। आप सब प्रेम के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं हर कोई खूबसूरत लड़की देखता हूं ना तो मैं उसके प्यार में गिर जाता हूं। बिल्कुल सही कहा तुमने। जिस प्रेम को तुम लोगों ने आज तक जाना है उसे प्रेम में गिर जाना ही तो कहते हैं। दैट इज फॉलिंग इन लव। आज मैं तुम लोगों को प्यार के नए दो आयामों से अवगत कराऊंगा। राइजिंग इन लव, प्रेम में उठना। बीइंग इन लव, प्रेम में होना। अरे सर सर सर, अरे सर, मजा आ रहा है। हम बताता इसके बारे में जी, ये हमारा स्टूडेंट होता जी, उस समय भी ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता जी। हमको पता था, ये बात हमको अंदर ही अंदर काए जाता था, ये कॉलेज में आएगा कुछ ना कुछ उतल पुतल करेगा जी। लड़के और लड़कियों को साथ बिठाकर इसने ये सिद्ध कर दिया जी। अगर ये कॉलेज में रहा ना तो ये कॉलेज का सत्यानाश कर देगा जी। आज मैं तुम लोगों को प्यार के दूसरे आयाम से अवगत कराऊंगा। Rising in love. क्या हुआ, इतने उदास क्यों? खुल के कहो, मुझे अपना मित्र ही समझो। सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन वो किसी और के साथ चली गई। जब भी उसे किसी और के साथ देखता हूं ना सर, मन करता है उसकी जान ले लूं या फिर अपनी जान दे दूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पीड़ा का कारण प्रेम है? नहीं, तुम्हारा अहंकार है। तुम किसी से प्रेम में हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह भी तुमसे प्रेम में हो। तुम थे, यह तुम्हारी मर्जी है। वो नहीं है, उसकी भी तो आत्मा है। उस पर अधिकार कर लेने की भावना तुम्हारी पीड़ा का कारण है। तुम चाहते थे कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारी हो और तुम्हारी ही रहे। इस तरीके की सील मोहर लगाना चाहते थे। हिंसा का भाव था तुम्हारा, प्रेम का नहीं। प्रेम तो तुम्हें और भी स्वतंत्र बनाता है, प्रेमी के प्रेम में आनंदित होने के लिए प्रेरित करता है। अब तुम विचार करो कि तुम प्रेम में थे या अहंकार के युद्ध में। आधिपत्य मत करना, जिससे प्रेम कर, कुछ दे सको तो देना मगर मांगना मत, और उसके आस पास ईर्ष्या को खड़े भी मत होने देना। प्रेम एक दान है। रजनीश, तुम इस कॉलेज के छात्र रहे हो और आज इस कॉलेज में प्रोफेसर होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हो। तुम पहले प्रोफेसर हो जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की वजह से इस्तीफा दे रहे हो। मैं तो कहता हूं कि तुम फिर से एक बार सोच लो। देखिए, मैं अपने इरादे पर अडिग हूं और आप लोगों के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य कुछ और है।
और वैसे भी इनकम टैक्स के झमेले में मैं नहीं पढ़ना चाहता। धन्यवाद। अरे अजनीश सर कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। क्या हो गया? चलो देखते हैं यार। अजनीश सर कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। चलो चलो। अजनीश सर कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। चलो चलो। चल चल चल। अजनीश सर कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। अजनीश सर। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। ये तुम्हारी कक्षा का आखिरी आयाम है, बीइंग इन लव, प्रेम में होना। बादल जैसे बारिश के पानी को दूर भेज देता है, उसे रोकता नहीं है, और धरती उसी बारिश के पानी को भाप में बदलकर उसे दूर भेज देती है ताकि वो फिर से जाकर आसमान से मिल सके। प्रेम मुक्त है। पर तुम सबको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्रेम में पड़ गए हो, और तुम सबके आंसू मुझे रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी विदाई इन नम भरी आंखों से ना हो। मुझे खुशी खुशी विदा करो। कॉलेज से निकलने के बाद मैंने देश के भिन्न भिन्न जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी बातों और विचारों को रखना शुरू किया। बाबाओं, राजनेताओं और लुच्चे लफंगों से देश को आजाद कराना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रश्न बाबाओं और राजनेताओं से छुटकारे का नहीं है। प्रश्न है तुम्हारे अंदर के अज्ञान को मिटाने का, और जब तक तुम्हारे अंदर का अंधकार मिट नहीं जाता तब तक तुम्हारा शोषण होता रहेगा। पंडित लूटेंगे, पुरोहित लूटेंगे, मुल्ला मौलवी लूटेंगे, राजनेता लूटेंगे। रजनीश पागल हो गए, बहकी बहकी बातें कर रहे, उसे खुद नहीं पता वो क्या कह रहे है। मैं सभी धर्म के गुरुओं को तोतों के समान समझता हूँ, क्योंकि उनको तो उतना ही पता है जितना किताबों में लिखा है। नए मनुष्य के अवतरण के लिए जन्म से पहले ही सावधानी रखनी चाहिए। जैसे रक्त के बैंक होते हैं, वैसे ही शुक्राणु के बैंक होने चाहिए, ताकि लोग वैज्ञानिक तरीके से अपने मनपसंद के बच्चे पैदा कर सकें। ये पाखंडी हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देगा। मैं भगोड़ापन नहीं सिखाता। मेरा संन्यास उत्साह, प्रेम और होश से भरा हुआ। उत्सव हमारी जाति और आनंद हमारा गोत्र। वो बोलता है बच्चे पैदा मत करो। बच्चे पैदा करना क्या हमारे हाथ में है? वो तो ईश्वर की देन है। कैसी हो? अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझसे शादी करने से मना किया, वरना जैसा व्यवहार मेरे पतिदेव मेरे साथ करते हैं, अगर वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ करते तो मैं जीते जी मर जाती। सिर्फ तुम दोनों बात नहीं हो, यह तो हर घर की कहानी है। फिर एक दिन मुझे अचानक नानी की मृत्यु की खबर मिली और मैं उनको अंतिम विदाई देने पहुंचा। मौलवी साहब,
पर भी भारी पड़ने वाला है। आगाह कर दिया आपको, बाकी आप खुद समझदार है। नेताजी आपको कुछ करना होगा। धर्म से बड़ा और खतरनाक कोई नशा नहीं। इसका रहम, इसकी लत को कोई छुड़ा नहीं सकता। आप निश्चिंत रहें। आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हो। उसके चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जल्द से जल्द अगर कुछ किया नहीं नेताजी, तो आपकी दुकान मुश्किल में पड़ जाएगी। हमारी दुकान मुश्किल में न पड़ने की आपको हर महीने मोटी तनख्वाह मिलती। हमारी दुकान मुश्किल में पड़ी तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी पंडित जी। चलिए नमस्कार। आज इस युवा महोत्सव में हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य अजनीश जैन। मैं अजनीश जैन जी से विनती करता हूं कि वो प्रेम के बारे में बताकर हम युवाओं का मार्गदर्शन करें। मेरे प्रिय आत्मन, आप लोग यहां प्रेम को समझने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन प्रेम को समझने से पहले हमें काम वासना को समझना होगा। मैं खासकर युवकों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे पुरखे हजारों साल की पीढ़ियां काम से भयभीत रही हैं, तुम भयभीत मत रहना। तुम समझने की कोशिश करना, बात करना। काम के संबंध में जो खोजे हुई हैं तुम उसे पढ़ना, इससे भागना मत। और तुम हैरान रह जाओगे यह जानकर कि तुम जितना समझोगे उतने ही मुक्त हो जाओगे। काम जीवन का अद्भुत रहस्य है। जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे, उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी इस भारत में कि हम बहुतों न्यूटन पैदा कर सकेंगे, हम बहुतों आइंस्टाइन पैदा कर सकेंगे, चांद तारों की यात्रा कर सकेंगे। वासना प्रभु का दान है, इसे अहो भाव और आनंद से स्वीकार करो। इससे लड़ो मत। अभी तुम्हें स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती है, वासना को इतना संवेदनशील बनाओ कि स्त्री के सौंदर्य में तुम्हें एक दिन परमात्मा का सौंदर्य दिखाई पड़े। अगर परमात्मा चांद तारों में दिखाई पड़ सकता है तो जीती जागती स्त्री में क्यों नहीं? विवादित गुरु अब सेक्स गुरु हो चुके हैं। उनकी एक विवादित पुस्तक काम से राम की ओर के बाद प्रशासन ने उन पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। उनके आश्रम से एक तस्वीर मिली है जिनमें वो एक महिला से लिपटे हुए नजर आए हैं। भारी विरोध और इस तस्वीर को देखने के बाद सरकार ने उनके आश्रम की जांच लेने का फैसला लिया। बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग हमारे देश के लिए काफी खतरनाक हैं। इनसे हमारे देश का काफी नुकसान है और इस पे सरकार को विचार करनी चाहिए। ऐसे लोगों को
किस मुख से हम साधु और महात्मा कहें मुझे समझ में नहीं आता है। ये एक ढोंगी, पाखंडी, देशद्रोही, इनके लिए जिस प्रकार के भी शब्द का प्रयोग किया जाए, मेरे ख्याल से सारे शब्द इनके लिए सही है। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर देने वाले लोग में से एक है। मैं तो कहूंगा कि सरकार को इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर इस तरीके का कुछ नहीं किया हो, राही यूं ठहरा क्यों है, दुख का ये पहरा क्यों है, तू सच का वाहक है, तू जिंदा जातक है। ठहरा क्यों है, दुख का ये पहरा क्यों है, तू सच का वाहक है, तू जिंदा जातक है। प्रेम ज्ञान को जान के चलवे, राह के रोड़े छान के चलवे, नदियों से राग ले ले, सूरज से ताप ले, नदियों से राग ले ले, सूरज से ताप ले, रच दे इतिहास नया तू वे। चल वे चल तू बंदया वे, कोई क्या तुझको रोके रे, चल वे चल तू बंदया वे, कोई क्या तुझको रोके रे। कल ही मेरे खिलाफ सरकार से किसी ने प्रार्थना की कि मैं देशद्रोही, मुझ पर अदालत में मुकदमा चलाया जाए। उसकी बात ठीक है, सरकार को उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए। मुझे देशद्रोही कहा जा सकता है क्योंकि देशों में मेरा कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो यह सारी पृथ्वी अपनी मालूम होती है, मगर हमारी पुरानी आदतें, मेरा देश और इस तरह की मूढ़ताएं और देशों में भी, उनका भी यही ख्याल है। इन्हीं अहंकारों के कारण संघर्ष, इन संघर्ष और देश की सीमाओं के कारण मनुष्य की सारी शक्ति युद्धों में लग जाती है। तुम्हें जानकर यह हैरानी होगी कि अब हमारे पास युद्ध का इतना सामान इकट्ठा हो गया कि पृथ्वी को 1000 बार नष्ट किया जा सकता है, और किसी भी दिन एक पागल राजनीतिक की धुन और सारी पृथ्वी राख का ढेर हो जाएगी। मुझे लगता है अब हमें देश की सीमाओं को मिटा देना चाहिए और एक विश्व शक्ति के अंदर काम करना चाहिए, ताकि सभी देशों की जो 80% क्षमताएं युद्ध में जाती, वो पैसा अगर मनुष्य के अंदर प्रेम के विकास में लगे, खेती बाग बगीचों और कारखानों में लगे, तो यह पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। मैं आपको मारने आया था। फिर से? मैं कुछ समझा नहीं। पिछले जन्म में भी तुमने मेरी हत्या की थी, तब मैं 21 दिन का उपवास कर रहा था, पर तुमने मुझे 18वें दिन पे ही मार डाला था, इसलिए इस जन्म में मुझे 3 दिन का उपवास करना पड़ा। ना वैद्य ना हकीम, ना चलेगा कोई प्रयास, अभी ये नहीं रोएगा बालक, है 3 दिन उपवास। मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तुम्हें ध्यान की पद्धति से गुजरना हो।
लोग जैसे जैसे मेरा विरोध करते गए वैसे वैसे मेरे चाहने वालों की तादाद और बढ़ती गई और विश्व के अलग अलग कोने से मेरे प्रशंसक मुझसे प्रभावित होकर मुझसे जुड़ने लगे, जिसके लिए मुझे और अधिक जगह की आवश्यकता पड़ने लगी थी। हेलो महारानी साहिबा, महारानी प्रणाम। आचार्य जी की चिट्ठी के बारे में बात करनी थी आपसे। उनको किसी भी हालत में अपने क्षेत्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जनता में भी काफी आंदोलन है और ये मामला आपके राजमहल तक पहुंच जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आपका। किसी ने यूं देखा कि चेहरा खिला है, मन को मेरे हौसला मिल गया है, मिल गया है। सुबह गुड़िया आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम लोग जो कच्छ के महाराजा से महल लेने का सोच रहे हैं, वो अभी कुछ राजनेताओं और धर्म गुरु के दबाव के कारण नहीं मिल पा रहे हैं। पर हमारे कुछ अमेरिकी सन्यासी मित्रों ने संदेश भेजा है। वो अमेरिका में हमें 64,000 acres जमीन देने को तैयार है। भगवान हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका में एक नए शहर के निर्माण करने की ओर अग्रसर हुए और ये खूबसूरत प्यारा शहर अमेरिकी सरकार को धीरे धीरे रास नहीं आने लगा। He is the most dangerous man in this whole world. Scientists from across the countries are coming to meet him, and so are millions of his followers. After coming from India, he has bought a great deal of land in our country. He has his own roads, buses, planes, and in fact, even his own currency. He has even challenged our president and our religious leader. Thank you.
अरेस्ट हिम। कबूल कीजिए मेरे आदाब मोहब्बत के, तुमको भी आएंगे फिर ख्वाब मोहब्बत के। सवाल मोहब्बत के है पूछ रहा ये दिल, सवाल मोहब्बत के है पूछ रहा ये दिल, तुम देना मोहब्बत से जवाब मोहब्बत के। किसी के यूं पड़ गए हैं जमीन यहाँ की चमक रही है, कदम किसी के यूं पड़ गए हैं जमीन यहाँ की चमक रही है, किसी के सांसों की खुशबू शकल की मुरीद जैसी हुई जाती है मेरी ये आँखें, किसी की शकल की मुरीद जैसी। खुशामदीद खुशामदीद जाने महफिल खुशामदीद, खुशामदीद खुशामदीद जाने महफिल खुशामदीद। Let me do my job. You are making a mistake, officer. The court will decide that. Please. भारत के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु अजनीश को अमेरिका की पुलिस ने अवैध धंधे, सेक्स रैकेट और ड्रग स्मगलिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। हमारे भगवान निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है?
We are being pressurized by the scientists, writers, poets, and intellectuals from all the countries, and we do not have any evidences against him. So whatever has to be done needs to be done very fast. You are lucky, Mr. Garbman. There is no evidence against you. The court decided to release you. You have to leave our country. बाद मैं विश्व के कई देशों में गया, लेकिन वहां राजनीतिक तौर पर मुझे प्रतिबंधित किया गया। पता नहीं उन लोगों को एक निहत्थे आदमी से क्या डर था, और अंततः मैं भारत वापस लौट आया। भगवान, मैंने आपका ब्लड रिपोर्ट यूरोप से मंगवाया है। आपके खून में धीमा जहर है, और तभी आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। चलो, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी आपको आराम की जरूरत है। जब समय कम हो तो आराम करना व्यर्थ है। चलो। भगवान कृष्ण सेना।
छूट जाए, मन छूट जाए, हृदय छूट जाए, लेकिन मैं तो हूं, मैं तो कभी छूटने वाला नहीं। तुम मेरे शरीर को ले जाकर अर्थी पर चढ़ाकर जला देना, लेकिन किसी ने मुझसे हृदय भर के प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं है, मुझे मिटाने का भी कोई उपाय नहीं है, मैं अमृत हूं। अगर तुमने एक बात का निर्णय कर लिया है कि तुम सत्य का साथ दोगे, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है, इस दुनिया का आधार तुम्हारे साथ है, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। ना मुझे बुद्धिजीवियों की चिंता है, ना धर्म गुरुओं की चिंता है, मुझे चिंता है तो सिर्फ एक बात की कि कभी भूल कर भी मैं अपनी आत्मा को ना बेचूं, कि कभी भूल कर भी मैं सत्य को ना बेचूं, मौत स्वीकार कर लूं लेकिन सत्य का साथ ना छूटे। और मैं चाहता हूं कि तुम सब आशीर्वाद दो मुझे। कि मृत्यु वर्णीय है लेकिन सत्य नहीं छोड़ा जा सकता, मैं अकेला काफी हूं और तुम्हारा आशीर्वाद पर्याप्त है।